दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक रिक्वायरमेंट आई है। ये जो है रिक्वायरमेंट, वो नाइजीरिया के लिए आई है, जिसमें आपको प्रोडक्शन, जो नाइजीरिया की जो कंपनी है उसको प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है, और ये जिसको फीड मिल डिवीज़न, और ये जो इसमें ये कंपनी जो होगी वो इंटरव्यू अगर कोई कैंडिडेट देता है इस पोस्ट के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का, और 5 साल से वो वहाँ पे रह रहा हो, नाइजीरिया में रह रहा हो। जो भी कैंडिडेट वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो कंपनी का सैलरी पैकेज होगा वो डिपेंड होगा आपका इंटरव्यू कैसा होता है उस पर डिसाइड होगा, प्लस लोकल एक्सपेंस जो भी जाने आने का खर्चा होता है वो सब कंपनी पे करेगी। इसमें कंपनी ने जो दे रखा है वो बैचलर एकोमोडेशन दे रखा है। जो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं। इसमें बैचलर एकोमोडेशन होगा, कंपनी की तरफ से एयर फेयर का खर्चा, खाना पीना रहना सब कंपनी की तरफ से बैचलर होगा। और जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, उनका कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री एनिमल जो है एनिमल साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, या न्यूट्रिशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप इनमें से आप कुछ भी, आपके मतलब बैचलर डिग्री है आपका एनिमल साइंस में, या फिर आपका न्यूट्रिशन में आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, और इस लाइन में आपका जो है 10 साल से एक्सपीरियंस है, और ऑलरेडी आप लोग नाइजीरिया में रह रहे हैं, तो आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जॉब की फुल डिटेल डाल दूँगी। आप वहाँ से जो है कंपनी में डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद आप कंपनी को रिप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और मैं जैसे आपका जो रिज्यूम है, जो CV होगा, शॉर्ट लिस्टेड होगा, तो कंपनी की तरफ से वहाँ आपको रिप्लाई, या कह सकते हैं इंटरव्यू कॉल, या फिर इंटरव्यू वीडियो कॉल, कुछ भी आ सकती है। उसको कॉल को अटेंड करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।